हेलो एजुकेटेड इंडिया, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी कि एनसीएल में आई बम्पर वैकेंसीज के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि यह 22 तारीख को यह वैकेंसीज के बारे में नोटिफिकेशन आया है एनसीएल के वेबसाइट पे। और इसके बारे में क्या क्या किस पोजीशन के लिए वैकेंसीज आई है और इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या हैं और वैकेंसीज कितनी हैं, तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो वैकेंसीज है ड्रैग लाइन ऑपरेटर की, ड्रैग लाइन ऑपरेटर जो कि कोयला निकालने के लिए एक बहुत हैवी मशीन होती है, इसमें क्या क्वालिफिकेशंस है इसके बारे में जानते हैं। इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, पहला तो है कि आपको मैट्रिकुलेशन या हाई स्कूल यानी कि 10th 10वीं की परीक्षा पास होना चाहिए और इसी के साथ आपका आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए। किस फील्ड में? डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक और हीटर ट्रेड। इसके साथ ही इसमें आपका हैवी मोटर व्हीकल का जो लाइसेंस है वो भी होना जरूरी है। ओके, इसकी वैकेंसीज की संख्या कितनी है? 9। और जो वैकेंसीज हैं जैसे डोजर ऑपरेटर, ग्रेडर ऑपरेटर, डंपर ऑपरेटर, सोवेल ऑपरेटर, पे लोडर ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर एंड ड्रिल ऑपरेटर, इनके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें जो ये डोजर ऑपरेटर और ग्रेडर ऑपरेटर है इनके लिए जो क्वालिफिकेशन है, आप 10th पास और इसके साथ ही हैवी मोटर का व्हीकल का लाइसेंस होना जरूरी है। लेकिन इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान देना होगा कि इसमें जो ट्रैक्टर ड्राइविंग का जो लाइसेंस है इसके साथ होना जरूरी है, तभी आप इन दो वैकेंसीज के लिए अप्लाई करने के लिए एबल हैं। बाकी की ये जो चार ऑपरेटर्स हैं जैसे डंपर, सोवेल, पे लोडर एंड क्रेन, इनके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस हैं ये है 10th के साथ ही आपका अगर हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस है तो आप इसके लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और ड्रिल ऑपरेटर की जो वैकेंसी है इसके लिए आपको मात्र 10th क्लास पास होना जरूरी है। इसमें आपकी वैकेंसीज जो संख्या दी गई है ये हम इसके बारे में आगे जानते हैं कि इसमें वैकेंसीज की जो संख्या है वो कितनी कितनी है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो ड्रैग लाइन ऑपरेटर की जो वैकेंसीज है इसकी संख्या कितनी है? 9। 9 में से एक ओबीसी के लिए रिजर्व है जो कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, और एक है इसमें चार जो संख्या है वो एसटी के लिए रिजर्व है और चार अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। ये अनरिजर्व हालांकि कोई कैटेगरी नहीं होती, ओपन होती है, जो भी मेरिट में आएगा उनके लिए है ये। तो टोटल संख्या इसकी कितनी हो गई? 9। और जो वैकेंसीज है जैसा कि आप देख सकते हैं डोजर ऑपरेटर के लिए जो वैकेंसीज की संख्या है वो कितनी है? 48, 48, जिसमें से ओबीसी के लिए 6 रिजर्व है और एसटी के लिए 27, एससी के लिए 3 और EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो कि अभी पिछले साल 10% का आरक्षण दिया जाता था, और अनरिजर्व कैटेगरी में 10, ओपन में 10। और ग्रेडर ऑपरेटर की जो वैकेंसी है 11 है, जिसमें से आरक्षण ओबीसी के लिए 1 है, एसटी के लिए 8 और एससी के लिए 1 और अनरिजर्व 1 है, यानी कि इसमें एसटी कैटेगरी के जो लोग हैं इनके लिए अच्छा ऑफर है। और इसमें देख सकते हैं जो डंपर ऑपरेटर की वैकेंसी है वो कितनी है? 167, 167। इसमें ओबीसी के लिए 23, 45 एसटी के लिए, 23 एससी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 15 और 61 अनरिजर्व है। इसी तरह से आप देख सकते हैं जो सोवेल ऑपरेटर्स हैं उनके लिए 28 वैकेंसीज हैं, जिनमें से आरक्षण हैं 12 आरक्षण एसटी के लिए है और 3 ओबीसी के लिए, 3 एससी के लिए, 2 ईडब्ल्यूएस के लिए और 8 अनरिजर्व है। और 6 वैकेंसीज हैं पे लोडर ऑपरेटर के लिए, जिनमें से केवल 3 रिजर्व रहेगा रहे इसमें एसटी के लिए और 3 अनरिजर्व है।
और इसमें 21 वैकेंसीज हैं क्रेन ऑपरेटर के लिए। इनमें जो रिजर्वेशन की संख्या है 2 ओबीसी के लिए और 9 एसटी के लिए और 2 एससी और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए, बाकी 7 अनरिजर्व हैं। और ड्रिल ऑपरेटर जो कि एकमात्र ऐसा अभी इस वैकेंसीज में है जिसमें कि हैवी लाइसेंस और बाकी आईटीआई की कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप केवल 10वीं पास हैं तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके लिए 2 ओबीसी में वैकेंसी रिजर्व हैं, 4 एसटी के लिए रिजर्व हैं, 2 एससी के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए और 8 अनरिजर्व कैटेगरी में हैं। मतलब कि टोटल वैकेंसीज की संख्या में देखें, टोटल वैकेंसीज की जो संख्या है 307 है। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन है उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है जनरल के लिए बोला गया है 55% आपका जो मार्क्स है परसेंट वो होना चाहिए, लेकिन कुछ रिलैक्सेशंस भी दिया हो गया है, छूट दी गई है क्योंकि जनरल के लिए तो फिक्स है 55% ही, ओबीसी के लिए 5% का छूट दिया गया है, मतलब कि अगर 50% का रिजल्ट बना हुआ है तब भी वो अप्लाई कर सकते हैं। और एससी एसटी वालों के लिए अगर 45% का भी है, लेकिन ये किस में है आप देख सकते हैं, जो मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं ग्रेड के जो परीक्षा है, अगर उस 10वीं की बात कर रहा है, 10वीं में अगर आपके ये परसेंटेज हैं उनके हिसाब से आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ओके, और जानते हैं इसके बारे में कि जो ये ड्रैगलाइन ऑपरेटर हैं इनकी पेमेंट क्या होगी। तो पेमेंट के हिसाब से आपको जैसे बताया गया है कि यह 1034.04 पर डे के हिसाब से रहेगा पहला साल, और इसके बाद के जो 2 साल रहेंगे 1065.55 रुपये पर डे के हिसाब से रहेगा, या 3 साल तक रहेगा प्रोविजनल पीरियड का। जैसे कि आपको ट्रेनी पीरियड के तौर पे ये वैकेंसी आई है, इसको ट्रेनी तौर पे रखा जाएगा, बाकी परमानेंट किया जाएगा ये इसके बाद 3 साल के बाद। तो वैसे ही बाकी जो ड्रिल ऑपरेटर है इसको छोड़ के इनकी पेमेंट लगभग सेम है, आप लगभग क्या पूरा ही सेम है आप देख सकते हैं। तो ये 3 साल तक ट्रेनी के तौर पर काम करेंगे, इसके बाद परमानेंट किए जाएंगे। इसमें और जान लेते हैं कि जो एज लिमिट है उसके लिए इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसमें मिनिमम जो एज है वो 18 साल के लिए है और मैक्सिमम 30 साल तक के लोग ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो कुछ रिजर्वेशंस भी दिए गए हैं, जैसे कि आप एसटी के कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब आप 35 साल के हैं तब भी आप फिल कर सकते हैं, और अगर ओबीसी के आप बंदे हैं तो 33 साल तक के उम्र तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं जो एक्स सर्विसमैन है जिन्होंने पहले कहीं सर्विस किया हुआ है तो उनके लिए जो एज का रिलैक्सेशन है वो कितना है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम 30 साल था उनके लिए 50 साल मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन इसमें कंडीशन दी गई है कि आपकी जो सर्विस है वह कम से कम 3 साल तक किया हुआ होना चाहिए, और जो एस सी एस टी एस एम वाले कैंडिडेट हैं वो 8 साल तक सर्विस किए हुए होने चाहिए। और इसमें जो एज रिलैक्सेशन की बात किया गया है कि जो एनसीएल या सीआईएल के इम्प्लाइज हैं उनके लिए जो अपर लिमिट है वो उसका कोई लिमिट नहीं है, वो कभी कितने साल तक भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, और जानते हैं कि इसमें इस फॉर्म को अप्लाई करने में एग्जामिनेशंस का जो फीस है वह कितना है। तो आप देख सकते हैं जैसा कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से, इनके लिए 500 रुपये का फीस है जो कि नॉन रिफंडेबल है, एक बार फीस पेमेंट हो गया मतलब हो गया। और बाकी जो एससी एसटी और ईएसएम डिपार्टमेंट के जो कैंडिडेट्स हैं, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो कि सीआईएल के इम्प्लाइज हैं, उनके लिए कोई फीस नहीं है। ओके, और फ्रेंड जानते हैं कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होगा। जैसे ना 1.5 घंटे का एक पेपर होगा, कितने क्वेश्चन रहेंगे उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, और क्वेश्चन कहाँ से आएंगे इसके लिए बताया गया है कि जो एप्टीट्यूड है वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, और जो ट्रैफिक रूल्स है वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, रोड सेफ्टी से क्वेश्चन आएंगे, फर्स्ट एड संबंधित जो क्वेश्चन है वो आएंगे, और बेसिक नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ मोटर व्हीकल्स
जो मोटर व्हीकल्स के जो बेसिक होते हैं उनके मेंटेनेंस के लिए, उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे, और जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन आएंगे, कॉमन सेंस से और मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे, इन पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स। लेकिन जो ड्रैग लाइन ऑपरेटर है उसके लिए आईटीआई जिस भी फील्ड से किया रहेंगे वो कौन से 50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आएंगे। ओके, मतलब कि ड्रैग लाइन ऑपरेटर को छोड़ के बाकी सारे पद के लिए 90 मिनट का पेपर होगा, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, और ड्रैग लाइन के लिए इसके साथ ही एक 60 मिनट का और पेपर होगा जिसमें जो 50 मार्क का अतिरिक्त होगा, यानी कि 150 मार्क का जो ड्रैग लाइन ऑपरेटर के लिए पेपर होगा 150 मार्क्स का होगा, और कितने समय रहेंगे उसके लिए 150 मिनट, मतलब 2.5 घंटे। ओके चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में फ्रेंड्स। इसमें बताया गया है कि अगर आपको मेरिट में आना है, मेरिट लिस्ट जो बननी है, अगर मेरिट लिस्ट में आना है तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको क्वालिफाई करना जरूरी होगा, जैसे कि ड्रैग लाइन ऑपरेटर को छोड़ करके जो अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कम से कम 50 मार्क्स लाएंगे तभी वो मेरिट लाइन लिस्ट में कंसिडर किए जाएंगे, और SC ST EHM और OBC नॉन क्रीमी लेयर के जो कैंडिडेट हैं वह 40% मार्क्स में ही उनके मेरिट में आने के चांसेस हैं, और जो ड्रैग लाइन ऑपरेटर है उनका 150 नंबर का पेपर होगा, उनमें से जो अनरिजर्व और AWS के कैंडिडेट्स है वो 75 नंबर लाएंगे, फिर उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है, और मेरिट लिस्ट दैट मीन्स कि मेरिट बनने के लिए जो कंसीडर किए जाएंगे नंबर्स उनका नंबर है ये, और बाकी जो कैंडिडेट्स होंगे अनरिजर्व और AWS को छोड़ के उनके लिए 60 मार्क्स ड्रैग लाइन ऑपरेटर के लिए। फ्रेंड्स और जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, इसकी अप्लाई कैसे करेंगे। इसके अप्लाई के लिए जो डेट दिया गया है 16 मार्च से दिया गया है कि 16 मार्च से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो इसकी जो वेबसाइट दी हुई है आपको ये पास दिया हुआ है जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप रेडी रहें और प्रिपेयर रहें। हमारी एजुकेटेड इंडिया टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत अग्रिम बधाइयाँ, आप सेलेक्ट हों और आपकी महत्वाकांक्षाएं जरूर पूरी हों NCL के एम्प्लॉयज बनने की। चलिए थैंक यू।